हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रभात ट्रेडिंग सर्विस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक को एनालाइज करने वाले हैं। आज आईसीआईसीआई बैंक का Q3 का रिजल्ट आया है, तो हम थोड़ा बहुत जानने वाले हैं रिजल्ट के बारे में, और हम मेन समझने वाले हैं चार्ट्स पे। हम एनालाइज करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक को कि क्या हमें मंडे को पॉसिबिलिटीज दिख सकती है, और आने वाले महीनों में क्या हमें पॉसिबिलिटीज दिख सकती है आईसीआईसीआई बैंक में। क्या रिजल्ट के बाद रैली आएगी, क्या रिजल्ट के बाद बिकवाली आएगी, तो ये सारा सारा चीज जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम पहले ले लेते हैं आईसीआईसीआई का ओवरऑल आइडिया, मतलब ओवरऑल की रिजल्ट कैसे आया है। आईसीआईसीआई बैंक का Q3 प्रॉफिट स्पाइक हुआ है 158% से, दैट इज लाइक अ रियली ह्यूज परसेंटेज, राइट। अगर हम बात करें प्रोविजंस की, तो देखिए प्रोविजंस कम हुए हैं और एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है। अगर हम बात करें कंपनी के मेन चीज की, दैट इज ग्रॉस एनपीए, ये 4.8% से क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, गिरे हैं। पूरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है, सारे सेगमेंट में हमें रिजल्ट इसके अच्छे देखने को मिले हैं। हम रिजल्ट पे उतना इसके जानकारी नहीं लेंगे, हम लेंगे पूरा अब उसमें चार्ट्स पे समझेंगे कि क्या करने वाला है, क्योंकि अब मेन हमें चार्ट बताने वाला है कि क्या हमारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट। चलिए हम चलते हैं अपने स्टॉक पे। मतलब देखो, ओवरऑल अगर हम नटशेल में बात करें तो रिजल्ट बहुत बढ़िया है, राइट। अब हम चलते हैं चार्ट पे। देखिए दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने डेली टाइम फ्रेम पे करीबन एक लेवल था 520 का। देखिए 520 के लेवल के पास ये हर बार सपोर्ट लेता था, करीबन एक बार, दो बार, और ये तीन बार, आप देख रहे हैं, तीन बार ये सपोर्ट लेता था और ये हर बार उस बाउंस करता था। एक बार ये 7 दिसंबर को आया था, बाउंस किया था, एक बार आया था ये 7 जनवरी को, बाउंस किया था, और इस बार आया है ये कब, इस बार आया है ये 23 जनवरी को। दैट मीन्स यहां से भी बाउंस कर दिया है इसने। इसका मतलब जो उसका क्रिटिकल सपोर्ट लेवल था, दैट इज 520 लेवल, ये अब कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होने वाला है एज ऑफ नाउ, राइट। अब हमें क्या करना है, थोड़ा समझते हैं। अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप एक लाइन देख रहे हैं, एक लाइन के पास ये बार बार रेजिस्टेंस लेता है जो कि है 538 कह लीजिए आप, ठीक है। 538 के पास ये हर बार रेजिस्टेंस लेता है, करीबन आप देख सकते हैं, एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार, तीन बार, चार बार रेजिस्टेंस लिया। अब हालांकि रिजल्ट बहुत बढ़िया है, तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करने वाला है, गैप अप खुलने वाला है मंडे के सेशन में। अब थोड़ा मैं आपको समझाता हूं कि गैप अप खुलने के बाद क्या करना है हमें, ठीक है। और पहला हमारा शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस, शॉर्ट टर्म रुकावट क्या हो सकती है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहिएगा, और जो भी नएवान है सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को, राइट। देखिए ऊपर का एक लेवल है जिसके पास ये आईसीआईसीआई बैंक हर बार रेजिस्टेंस लेता है, वो लेवल है 550 का, दैट इज साइकोलॉजिकल लेवल। एक बार रेजिस्टेंस लिया, दो बार रेजिस्टेंस लिया, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड डबल टॉप। दोस्तों जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको काम करने वाली हैं टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है। हम सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है हम आपके लिए उतना लर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो आप चीजों को समझिए, कॉपी पेन पे लिखिए, ताकि आपको बाद में काम दे, राइट। तो आप देख सकते हैं कि अब कितना ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 537 का। अब 537 के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक का अगर आवरली कैंडल बंद हो जाता है, अगर 537 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाता है, जो कि खुलेगा ही गैप अप, ठीक है, तो हमें बाय करके चलना है आईसीआईसीआई बैंक को, राइट। अब देखिए जब गैप अप खुलेगा तो आपको भावुक नहीं होना है, क्या नहीं होना है, आपको इमोशनल नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देखो थोड़ा हम समझते हैं क्या होता है लोगों के साथ। अब देखिए गैप अप चीजें खुलती हैं, ठीक है। गैप अप के बाद क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। देखिए गैप अप होगा तो एक बार रेजिस्टेंस कहां लेगा, एक बार ये रेजिस्टेंस लेगा 550 के लेवल पे, क्योंकि मार्केट हमेशा इतिहास दोहराता है। मार्केट क्या करता है, हमेशा इतिहास दोहराता है, और अगेन से कि ये रेजिस्टेंस लेगा 550 के आसपास, यहां पे 2 से 3 कैंडल बनाएगा। हाँ अगर 550 के ऊपर कंटिन्यूअसली कैंडल बंद हो गई, अगर स्ट्रेंथ दिखा दिया, मैं आपको बता दूं, दो
एक से दो दिन तुम आईसीआईसीआई बैंक में ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, जो कि होगा 560 और 565 का। तो दैट्स इट, यही है हमारा आईसीआईसीआई बैंक का ओवरऑल लाइक लुक क्या कर सकता है, मैंने आपको सब चीज बता दिया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे हमारी इनडेप्थ एनालिसिस। दोस्तों अगर आपको भी इस प्रकार से इनडेप्थ एनालिसिस करनी है तो हमारा आप ऑफलाइन ट्रेनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कल होने जा रहा, लिमिटेड सीट बची है, ठीक है। तो जिसको भी इंटरेस्टेड है, आप ऊपर ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर कॉन्टेक्ट करके हमारी ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारी आप वेबसाइट पर भी जाके हमारी लाइक ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पर हमारा देखो ऑनलाइन ट्रेनिंग 24/7 चलता रहता है, यहाँ पे आप घर बैठे ज्ञान ले सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पेस्ट कर रखा है। सो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए हमारी वीडियो कैसी लगती है। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद आप सबको।